हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब अपडेट जोन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आया गया हूँ, जो कि आया है इंडियन नेवी की तरफ से। जी दोस्तों, ये एक अपडेटेड नोटिस है जिसमें आपका लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है और साथ ही आपके जितने पोस्ट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें आपका जो पहले 1365 वैकेंसी था उसको बढ़ाकर 4165 भी वैकेंसी कर दी गई है। मैं आपको अपडेटेड नोटिस दिखा दूंगा, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जितने भी पॉइंट हैं। तो यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, प्लस टू मांगा गया है और आपका मैथ फिजिक्स कंपलसरी, साथ ही केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक हो तो भी चलेगा, पर मैथ फिजिक्स कंपलसरी है। और यहाँ पर आपका एज लिमिट बता दें तो 17 से लेके 22 तक मांगा गया है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप एलिजिबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। मैरिटल स्टेटस आपको अनमैरिड होना, अगर आप मैरिड हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, जैसे कि ये अग्निवीर अंडर आता है तो आपको 4 ईयर का जो कि सर्विस पीरियड रहेगा, साफ साफ लिख दिया गया है। अग्निवीर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते, यानी कि 4 ईयर ही आपका टोटल सर्विस पीरियड रहेगा और आपको यहाँ पर 30 डेज का ईयरली लीव मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 30,000, देन सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000 तक सैलरी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर, डेथ कंपेंसेशन, डिजेबिलिटी कंपेंसेशन, ये सब आपको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर आपका पहले जो रिटन टेस्ट होगा पहले स्टेज वन में, देन सेकंड में भी आपका स्टेज टू जो कि रिटन टेस्ट होगा जो क्वालिफाई किए होंगे स्टेज वन, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और कितने मार्क का एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा जिसमें बहुत हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और टोटल इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट में आपका टोटल 100 मार्क में एग्जाम होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, यानी कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन भूल करते हो तो आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फी, यहाँ पर आपको 550 रुपीज़ प्लस 18% GST के साथ आपको फी लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो जो स्टेज वन क्लियर करेंगे वो सेकंड में, स्टेज टू में भी रिटन टेस्ट होगा, देन PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, देन उसके बाद मेडिकल टेस्ट रहेगा। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया है मिनिमम, वो मेल के लिए जो 1.6 किलोमीटर रन है उसको 6 मिनट 30 सेकेंड में क्लियर करना होगा और फीमेल के लिए 8 मिनट। देन जो स्क्वाट्स है उठक बैठक उसको आपको 20 लगाना है अगर आप मेल हो, फीमेल है तो 15, देन पुशअप आपको मेल के लिए 12 रखा गया है और बेंट नी सीटअप्स ये फीमेल के लिए 10 रखा गया है, ठीक है। दोस्तों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये जो 29 मई से 15 जून तक रखा गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 19 जून तक कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है तो 19 जून से पहले अप्लाई कर लेना है। और वेबसाइट इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है अग्निवीर नेवी .cdse.in, वहाँ से जाके
अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं इनका जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसमें आपका पोस्ट में इंक्रीमेंट किया गया है। उसमें जितना पोस्ट था यहाँ पर 4165 वैकेंसी कर दिया गया है बढ़ाकर, और आपका जो लास्ट डेट रखा गया था 15 जून उसको बढ़ाकर 19 जून कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। मिलते हैं अगले एक नई जॉब वैकेंसी के अपडेट के साथ। धन्यवाद।